आज हम लोग क्लास 11 पार्ट 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत की प्रश्नावली 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। देखिए दो प्रश्न शेष रह गया है, उसको आज इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इसके पहले के सभी क्वेश्चन को हमने पहले की वीडियो में कवर कर लिया है, तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 23 से शुरू करेंगे। तो देखिए इसको जैसे हम लोग हल करते चले आए हैं, तो पहले पूरे कथन को हम पहले PN मानेंगे। तो लिखेंगे PN 41 के घात n माइनस 14 के घात n बराबर 27 m, ठीक ना। 27 का एक गुणज है, देखिए 27 का एक गुणज है या भाज्य है, ठीक ना, सेम मीनिंग होता है इसका। तो हमने 27 m लिख लिया। लिखेंगे जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। अब हम इसमें n बराबर 1 के लिए देखेंगे, तो n बराबर 1 के लिए तो हम पहले n का मान 1 रख के देखेंगे। तो लिखेंगे P1 और ये हो जाएगा 41 के घात 1 माइनस 14 के घात 1। इसका मतलब हुआ आप 41 में 14 घटा लीजिए तो 41 में 14 घटाएंगे तो 7 4 11 27 आ गया। तो इस प्रकार लिखेंगे हम लोग 27, है ना, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। ये हो गया 27 और इसको हम लिख सकते हैं 27 m, जहाँ m बराबर 1 होगा, जहाँ m बराबर 1 है, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने बाएं पक्ष लिया, तो देखिए 27 m हमने दाएं पक्ष में भी ले आए। अब इसे लिखेंगे किसी धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, किसी धन पूर्णांक के लिए माना पी के सत्य है, ठीक ना। तो हम इसको पूरे कथन को के पदों में व्यक्त कर लेंगे। तो लिखेंगे पी के 41 के घात के माइनस 14 के घात के बराबर 27 m लिख लिया, ठीक ना। तो जहाँ m प्राकृतिक संख्या है, अब हम सिद्ध करेंगे p के सत्य है, पी के प्लस 1 सत्य है। ठीक ना, पी के प्लस 1 सत्य है। तो देखिए इसको हल करेंगे हम लोग, तो पी के प्लस 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 41 के प्लस 1 माइनस 14 के प्लस 1 बराबर, अब देखिए इसको 27 m है तो हम इसको 27 d लिख सकते हैं, ठीक ना। के प्लस 1 पद के लिए हमने 27 d लिख लिया, जहां d प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या का एक अवयव है, ठीक ना। तो ये हो गया। अब हम देखिए इस वाले कथन का इसमें हम उपयोग करेंगे, इसलिए हम इसको इस कथन के इस तरह बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए लिखेंगे हम पहले बायां पक्ष, या बाएं पक्ष में क्या है लिख लेते हैं, 41 के घात के प्लस 1 माइनस 14 के घात के प्लस 1। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 41 के घात के और 41 के घात 1, है ना, इसको बांटेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, फिर 14 के प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक ना। इसको भी 14 के घात 1 और 14 घात के 1 में अलग कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, देखिए ये रहा 14 घात के लिख लिया, हमको बस माइनस 14 घात के चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 14 के घात के माइनस 14 के घात, ये 41 के घात के हैं, देखिए इतना हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, तो इतना ही हम प्लस कर देंगे, के घात में के है, यहाँ घात में के है, ठीक ना, ये हो गया। और ये 41 यहाँ लिख देते हैं हम, माइनस 14 के घात के और प्लस 1, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान तो आ गया हमको, यहाँ से यहाँ तक क्या मान है, 27 m लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 27 m प्लस 14 के घात के
गुणे 41 माइनस ये है 14 के घात के और 14 के घात एक है ना, अलग अलग लिख लिया हमने। अब हम 27 में 41 का गुणा करके यहाँ लिख लेंगे कितना प्राप्त होता है। या तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 27 गुणे 41 एम प्लस, और इसको लिख सकते हैं 41 और 14 के घात के, ठीक है, कल लिख लिया माइनस 14 के घात के और 14 घात एक, है ना, एक लिखिए चाहे ना लिखिए। अब देखिए इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 27 के गुणे 41 एम प्लस, देखिए 14 घात के और 14 घात के सेम है तो इसके गुणांक का माइनस हो जाएगा, तो 41 में अगर हम 14 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 41 में अगर 14 घटाएंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा। लिखता हूँ 14 के घात के और यहाँ बच क्या गया 41 बचा, 41 और ये माइनस ये 14 बचा, तो देखिए इस प्रकार अब इसको जब आप घटाएंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं हम 27 गुणे 41 एम प्लस, इसका 27 आंसर आएगा, तो 27 गुणे 14 के घात के लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे 27, तो यहाँ बचेगा 41 एम प्लस 14 के घात के आएगा, ठीक ना। अब इस पूरे पद को अगर हम के मान लें तो के, तो जहाँ के बराबर 41 एम प्लस 14 के घात के है, ठीक ना, तो लिखेंगे यम बिलोंग्स टू डी एन और डी बिलोंग्स टू एन, है ना, प्राकृतिक संख्या ही है ये, तो इसके नीचे अब लिखेंगे इस प्रकार, देखिए इसके बाद जो लिखते हैं हम लोग कथन यही लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार, देखिए ये हमारा दाया पक्ष आ गया, ठीक ना, हम इसको हल किए थे तो ये हमको हल करते हुए देखिए दाया पक्ष ये देखिए आ गया, ठीक ना, तो ये लिखेंगे इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य है ना, जब कभी पी के सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं यन के लिए कथन पी एन सत्य है, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न नंबर 23 हमने हल कर लिया, अब एक अंतिम प्रश्न बचा है प्रश्न नंबर 24, उसको देखते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 24, इसको देखते हैं, तो सबसे पहले इस कथन को पी एन मानेंगे, पी एन ये है 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो इसके लिए हम पहले n बराबर 1 के लिए देखेंगे, n बराबर 1 के लिए ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा देखिए 2 गुणे 1 प्लस 7 और 1 प्लस 3 के घात ये 2, ठीक ना। इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए इस पर हल करने के बाद 2 एकम 2, ठीक ना, 2 और 7, 7 2 9, 9 लेस देन 3 और 1 4, ठीक ना, 4 का वर्ग 16, तो देखिए एकदम सत्य है, 9 16 से छोटा ही है, तो लिखेंगे जो सत्य है, ठीक ना, जो सत्य है। तो पहले n बराबर 1 के लिए हो गया, हम अब हम लिखेंगे किसी धन पूर्णांक के लिए माना P के सत्य है। तो इस पूरे कथन को हम K के रूप में लिख लेते हैं, तो P K, तो ये जगह 2K
प्लस सेवन लेस देन के प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो हमने पूरे कथन को k में बदल लिया, अब हम k प्लस वन के लिए सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस वन सत्य है। तो देखेंगे इसमें पी के प्लस वन, ठीक ना। तो हम देखिए इसमें के प्लस वन रखते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा टू, ये हो जाएगा के प्लस वन प्लस सेवन, ठीक। और ये हो जाएगा लेस देन के प्लस वन प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो देखिए हल करने के बाद क्या है, दो एक कम दो टू के हो जाएगा, और दो एक कम दो, दो और सात ये नौ हो जाएगा, ठीक ना। लेस देन तीन और एक चार, तो ये हो जाएगा के प्लस फोर का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमने देख लिया, ये हो गया। अब देखिए हमको यही चीज़ ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इस कथन को हम लिखते हैं, लिखेंगे कथन पी के से, कथन पी के को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए पी के से, देखिए क्या कथन है, टू के प्लस सेवन लेस देन के प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक। सिंपल हो गया ये, मतलब जैसे हम जैसे के प्लस वन लिखते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाता है, और हम इसको जब ये बराबर का चिन्ह रहा करता था तो हम इसको बाईं तरफ लेकर हल करते थे और दाईं तरफ आ जाता था, ठीक ना। अब ये इनइक्वलिटी का सिंबल है, ठीक ना, बराबर का सिंबल नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार करेंगे, इतना हमने लिख लिया, अब फिर क्या करेंगे। अब देखिए अगर हम इसी कथन में अगर हम k प्लस वन अगर जोड़ें, है ना, मतलब कि हम देखिए इसमें इतना जोड़ दें कि ये हमको प्राप्त हो जाए, ठीक ना। देखिए जैसे हमने इसको लिख लिया यहाँ पर, अब हम इसमें अगर इतना जोड़ दें कि हमारा नाइन प्राप्त हो जाए तो बाईं तरफ का चीज़ तो बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर, ठीक ना, दो जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू के प्लस सेवन प्लस टू, ठीक ना, और ये हो जाएगा के प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू, ठीक। तो ये तो हो जाएगा सात दोनों, तो लिखेंगे टू के प्लस नाइन लेस देन के प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू। तो देखिए हमको कथन क्या आया, देखिए मेन कथन तो ये आया, एक ये आया और एक ये आया, ठीक ना। इसका देखिए अगर दोनों की बात करें तो बायां पक्ष तो बराबर है दोनों का, ठीक ना, बस इन्हीं में हमको कुछ रिलेशन देखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको पहले इसको हल कर लें फिर इसको हल कर लेते हैं, किसी को भी पहले हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हल करते हैं हम, देखिए इसको हम इसको देखिए लिखते हैं के प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू के इंटू थ्री, हाँ प्लस ये टू लिखा हुआ है, ठीक ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या कहिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस तीन त्रिकाई नौ प्लस तीन दूनी छः के प्लस ये दो, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस छः के प्लस नौ दो ग्यारह, ठीक ना, इतना प्राप्त हो गया हमको। अब हम इसको भी हल करके देख लेते हैं। तो देखिए के प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर इस पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी, ठीक ना, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। तो देखिए के स्क्वायर प्लस चार दूनी आठ के प्लस ये सोलह लिख लिया, ठीक ना। अब देखिए हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं, के स्क्वायर प्लस देखिए इसको हम लिख सकते हैं छः के, ठीक ना, और दो उधर लिख लेंगे और ये सोलह है तो हम इसको ग्यारह लिख लेते हैं, ठीक ना, प्लस छः दो आठ के यहाँ, है ना, छः दो आठ मेंटेन रहा, यहाँ ग्यारह लिखा तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, पाँच लिख देते हैं, ठीक ना। तो ग्यारह और पाँच सोलह,
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान देखिए क्या प्राप्त हुआ। देखिए ये सेम चीज़ आया है ना, इसका मतलब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये समझ में आया? तो मैं यहाँ लिखता हूँ देखिए k प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू, ठीक ना। और ये तो ये आ गया, और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा में कोई चीज़ आया है, ठीक ना। देखिए इसका मान देखिए इतना प्लस इतना आया है, है ना। अब देखिए इसमें k का हमने पहले बताया k इसमें एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। तो k अगर प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ पे माइनस कोई सवाल ही नहीं है, ताकि मतलब इसका वैल्यू कम हो जाए, है ना। जब भी यहाँ रखेंगे तो वन या टू थ्री फोर रखेंगे, तो सब जो है प्लस प्लस है, तो इसका मान तो बढ़ के ही आएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब k प्लस फोर देखिए क्या हो गया, इससे ग्रेटर देन है, ठीक ना। इतना समझ में आ रहा है, के प्लस फोर का है स्क्वायर, देखिए ये तो इसी के अंदर ही समा गया, ठीक। तो इस प्रकार लिख सकते हैं देखिए, या कहिए ये कम छोटा है, यही बात हुआ। तो लिखेंगे k प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस टू क्या है, लेस देन है, किससे है, k प्लस फोर का होल स्क्वायर से, ठीक ना। ये लेस देन है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब देखिए अगर इसी को हम यहाँ लिख दें, समीकरण तीन डाल देते हैं इसको, ठीक ना, ऐसे। तो अब देखिए अगर हम लिख दें, देखिए समीकरण एक दो और तीन से अगर देखें, तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है हमको, यहाँ लिखते हैं हम, देखिए ये है, देखिए 2k प्लस नाइन, ठीक ना। और इसमें क्या क्या रिलेशन है, देखिए लेस देन है, ठीक ना। इसको यहाँ लिख देते हैं, ये लिख दिया, यहाँ तक तो हमने यहाँ से लिख लिया, समीकरण एक दो तीन से लिखा। अब देखिए ये क्या है, अब ये रिलेशन हम उठा के यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, सिंपल सरल हो जाएगा, k प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू लेस देन ये k प्लस फोर का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, ठीक। देखिए ये लेस देन था इससे, ठीक ना, देखिए दिख भी रहा है, ये लेस देन इससे है और ये इससे लेस देन है। तो इसका मतलब हमने लिया ये लेस देन है इससे और ये इससे लेस देन है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया कि 2k प्लस नाइन लेस देन है k प्लस फोर से, ठीक ना। ये लिख देंगे यहाँ पर समीकरण एक दो एवं तीन से जो था लिख दिया हमने। तो देखिए ये वाला इससे भी कम है, ये वाला इससे भी कम है, तो इसका मतलब ये इससे तो कम है ही। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इससे क्या प्राप्त हुआ हमको, 2k प्लस नाइन इज लेस देन k प्लस वन का फोर का होल स्क्वायर, ठीक ना, है ना। ये इससे भी कम, इससे कम, तो हमने इसको लिख लिया। तो इस प्रकार देखिए खत्म हो गया। अब लिखेंगे इस प्रकार जो हम लास्ट में लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य है जब कभी पी के सत्य है, ठीक ना। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए संख्याओं n के लिए कथन Pn सत्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 24 हमने हल कर लिया, और ये प्रश्नावली और प्रश्नावली के साथ भी ये पाठ भी समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले पांचवें पाठ में सममित संख्या किस से देखेंगे।